बिलासपुर की सार्वजनिक यातायात सोसाइटी के सिटी बस डिपो और टर्मिनल के भीतर सन्नाटा छाया हुआ है। 8 महीने पहले तक बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र और आसपास की बसों को दौड़कर लोगों को सस्ता यातायात मुहैया करा रहा था। पूर्व में इन बसों को बिलासपुर में गाजीबाजी के साथ शुरू किया गया था, लेकिन शासन प्रशासन की लापरवाही के चलते इस बात की उम्मीद खत्म होती जा रही है कि सिटी बस डिपो में खड़ी ये सिटी बसें अब कभी भी बिलासपुर की सड़कों पर पहले की तरह दौड़ पाएंगी। पूर्ववर्ती सरकार की खुल लगी योजनाओं ने इन बसों को कबाड़ बनने के लिए छोड़ दिया है। जो प्राप्त जानकारी के हिसाब से उनकी पत्नी ने लिखित में दे दिया है कि वो आगे काम नहीं करना चाहती, क्योंकि ये जनहित का मामला है। कल भी कई लोगों का फोन आया था कि बस के नहीं चलने से जो आम शहरी है, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको आने जाने में असुविधा हो रही है, और जो ऑटो का भाड़ा है, अन्य साधनों का भाड़ा है, वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए बस को शुरू कराया जाए। तो मैं आने वाले समय में आदरणीय कलेक्टर साहब से निवेदन करूँगा कि उस बस को परिचालन के लिए, संचालन के लिए कोई ऐसा व्यवस्था बनाए जिससे कि आने वाले समय में फिर से सिटी बस का संचालन शुरू हो जाए।